हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आप सभी को आज हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी हरियाली तीज बहुत अच्छी बने। और आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं तो हरियाली तीज की तैयारी हो रही है, तो इसी के लिए मेहंदी लगाई जा रही है। तो यहाँ मेरे छटंकी से मेहंदी लगाने की तैयारी हो रही है। ये मेरी पीहू है जो हरियाली तीज के गाने भी गा रही थी, तो और इसकी बड़ी मामी है जो इसके हाथों पर मेहंदी लगा रही हैं। तो इसने बोला कि आज मैं अपनी मामी जी से ही मेहंदी लगाऊंगी, तो ये उन्हीं को ही परेशान कर रही है और उन्हीं से इसने मेहंदी लगवाई है। तो पीहू की मेहंदी मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कैसे गाना गा रही है और मगन हो रही है, ये एंजॉय कर रही है आज के इस त्यौहार को। और ये हमेशा अपनी दादी के यहाँ होती है, तो आज पहली बार अपनी नानी के यहाँ पर है, तो इसलिए ही ज़्यादा एंजॉय कर रही है। तो देखिए आप इसके हाथों की मेहंदी, आपको ये प्यारी सी गुड़िया के हाथों की मेहंदी कैसी लग रही है मेरी एंजल की, तो आप मुझे बताना। इसी के साथ साथ ही खाने की भी तैयारी हो रही थी, तो यहाँ पर खीर बन रही थी और कचौड़ी बनी थी और पूड़ी बनी थी और आलू की सब्ज़ी बनाई गई थी। और इसके साथ साथ ही बेसन के लड्डू भी मंगाए गए थे। तो यही सब चीज़ें आज हम हरियाली तीज पर बना रहे हैं। और आपके यहाँ पर भी क्या क्या बना, आप भी हमारे साथ शेयर ज़रूर करना और मुझे बताना कि आज के दिन आपने अपने घर पे क्या मनाया और इस त्यौहार को किस तरह से मनाया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम मजाक मस्ती कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं भाभियों से चिढ़ा रही थी थोड़ा भाभियों को, और भाभी को कह रही थी कि हाँ नंद की सेवा करो और चलो खाना बनाओ। मैंने भी हेल्प करवाई थी थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादातर काम दोनों भाभियों ने ही किया था। तो उसी की कुछ रिकॉर्डिंग है जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी है। इसके साथ ही जो मेरा छोटा भाई है, उसने मेरे दोनों बच्चों को भी सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था, बहुत। तो वही गिफ्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या दिया। देखो इस गिफ्ट को देख के आपको पता ही चल गया होगा क्या है। तो ये इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था गिफ्ट देख के, तो उसकी रियल पिक देखो कुछ इस तरह थी। तो आज मेरे सबसे छोटे भाई यानी योगेश ने मेरे दोनों बच्चों को ये गिफ्ट दिया था, तो उसी को देख के ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और पीहू भी इस गिफ्ट को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इस बार पीहू को बहुत सारे गिफ्ट अपने मामा के थ्रू मिले थे, जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में ही आपको दिखाया था, तो वो खुश थी। यहाँ देखो ये किस तरह से अपनी रिमोट कंट्रोल कार चला रहा है और उसको चला के बहुत खुश हो रहा है। इस समय गाने बज रहे थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर किया है, वरना ये बोल रहा था कुछ ना कुछ कि हाँ ये मेरी रिमोट कंट्रोल कार है और ये देखो मैं किस तरह से चला पा रहा हूँ। तो मैंने इसका रियल वॉइस ना डाल के यहाँ पर वॉइस ओवर किया है, और यहाँ पर ये मस्ती करे जा रहा था और दिखा रहा था कि देखो मेरे को रिमोट कंट्रोल कार चलानी आती है, बल्कि ये फर्स्ट टाइम ही इसको चला रहा था, तो कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं चला पा रहा था। पर जो भी इसकी वीडियो थी, रियल वीडियो थी, वही मैंने आपके साथ शेयर करी है। और इसकी शक्ल देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि ये किस तरह से खुश हो रहा है। तो आपको भी इसकी रिमोट कंट्रोल कार कैसी लगी, और आज तीज पर भी जिस तरह से हमने मनाया वो सब आपको कैसा लगा, आप सब मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और आप सभी के यहाँ पर किस तरह से तीज मनाई जाती हैं और क्या क्या त्यौहार में क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं, वो सब भी आप हमारे साथ शेयर ज़रूर करना। जैसे यहाँ पर देवांश अपनी कार चला रहे हैं, यही कार फिर थोड़ी देर बाद पीहू भी चला रही थी, तो उसकी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं थी, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग ही मैंने आपके साथ शेयर करी है। अब यहाँ पर पीहू की पारी आ गई है और इसका भी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि दोनों की ख्वाहिश पूरी हो गई। यहाँ पर मुझे बता रही थी कि मम्मी कुछ इस तरह से चलती है, तो वही मैं इसके साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये थी खाने की थाली, और आप सब भी इसको खाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी हिट ज़रूर करना, ताकि आपको मेरे नए वीडियो और ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।